हमारे पास एक भैया आए हुए हैं गाड़ी का पंचर बनवाने के लिए, आप देख सकते हैं। भैया आप कौन सा गाड़ी चाहते हैं, टैक्सी में? हाँ, ओला उबेर में। ओला उबेर में चाहते हैं, अगर आपको आवश्यकता पड़ेगा तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनका गाड़ी पंचर हो गया, अभी हम जा रहे हैं बनाने, बना के फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। टैक्सी गाड़ी का टायर है, अभी इसमें हवा भर रहे हैं, इसको हम चेक कर रहे हैं। अभी हवा भर के इसको चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। इसमें शैम्पू घोल लिया डिब्बे में, चढ़ा पड़े इनका जो वही रिम वाला प्रॉब्लम है, रिम से आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का हवा निकल रहा है, अभी इसको वही बनाएंगे हम, टायर को दबा रहे हैं अभी। इनका जो इस साइड भी है और टायर के इस साइड भी है, देख रहे हैं आप गाड़ी में, अभी दोनों साइड है, दोनों साइड टायर को दबाएंगे, उसके बाद इसमें हवा भर के इसको बनाएंगे। ये टायर एकदम खराब हो चुका है, इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि रिम से तो निकल ही रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ पे पंचर भी है, यहाँ पे भी पंचर है, एकदम पूरी तरह से टायर खराब हो चुका है। ठीक है, हवा निकल रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें भी इनका सोल्यूशन है। इसमें क्या करेंगे हम कि अभी हमारे पास एक पुराना ट्यूब है, उसको उसी में लगाएंगे, बोले कि हमको एक हफ्ता 10 दिन बस चलाना है, उसके बाद इसको बदलवा देंगे। तो हम अभी इसमें पुराना ट्यूब लगाने जा रहे हैं, आपको दिखा दें, ये पुराना ट्यूब है, अभी इसके अंदर इसको लगाएंगे, फिट करेंगे, और पुराना ट्यूब लगाने पर चल सकता है। आपको हम बताए थे अगले अपने पिछले वीडियो में कि ट्यूबलेस टायर में आप ट्यूब लगवा सकते हैं, कुछ दिन चला सकते हैं, अभी इसमें हम जा रहे हैं ट्यूब लगाने। टायर में हवा भरा चुका है, ट्यूब लग गया है, अब ये चल सकता है। इनका गाड़ी बना चुके हैं और इनसे पूछ लीजिए इनको क्या हमारे में अच्छा लगा, बता दीजिए क्या। ऐसा है कि टायर का क्वालिटी एकदम खत्म हो चुका था और सब तरफ से हवा लीकेज कर रहा था, रिंग से भी और टायर के पीछे, तो इन्होंने एक ट्यूब डाला है और चलने लायक टायर नहीं थी, लेकिन फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।